हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत डहर पंचायत के अलसू में आयोजित कार्यक्रम में डहर उप तहसील के अंतर्गत आने वाली 3 पंचायतों के कुल 45 लाभार्थियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए गए। इसके साथ साथ महिला एवं बाल विकास विभाग सुंदरनगर द्वारा बेटी अनमोल योजना के तहत क्षेत्र की 10 बेटियों को 10,000 रूपये की FT वितरित की गई। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सुंदरनगर के अधिकारियों द्वारा लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन व अन्य योजनाओं व स्कीमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विधायक राकेश जम्बाल ने अपने संबोधन में कहा कि संपूर्ण हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत क्षेत्र की 3 पंचायतों के 45 लोगों को निःशुल्क गैस वितरित कर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं व स्कीमों के बारे में पंडाल में उपस्थित दर्शकों को जानकारी दी। नरेंद्र मोदी जी ने 8 मार्च को किया था, उसी के अंतर्गत आज यहां पर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उसके साथ साथ हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की सरकार जयराम ठाकुर जी की सरकार द्वारा हमारी माताओं को हमारी बहनों को जो फ्री में गैस के कनेक्शन दिए जा रहे हैं उसका वितरण भी यहां पर किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण अभियान को लेकर SDM सुंदरनगर ने बड़ी विस्तृत जानकारी दी राहुल जी ने कि हम सब लोगों को बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए किस प्रकार से एहतियात बरतनी होगी, क्या क्या हमको करना होगा, बचाने का पूरा प्रयास करें, ना कि कुछ योजनाएं जो आती हैं सरकार उन योजनाओं को शुरू करती है और कागजों में हम उन योजनाओं को रखते हैं। इसलिए मैंने चाहा था कि आज हम यहां पर डहर पंचायत के यहां अलसू गांव में यहां पर अपनी माताओं बहनों के साथ बातचीत करेंगे, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने भाइयों के साथ, और आप सब लोग अपना काम काज छोड़कर कीमती समय देकर आज यहां पर कार्यक्रम में पहुंचे। एक बार पुनः मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं।